हेलो अस्सलाम वालेकुम, आज हम सिखा रहे हैं आपको झींगे साफ करने का तरीका। देखें, प्रॉन साफ करने का बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि साइड से इसको चॉक किया जाता है। यहाँ से आपने इसको चॉक किया, उसके बाद प्रॉन को बीच में से चॉक करके देखेंगे। देखें, इसमें हमारे पास एक वेन होती है, वाइट कलर की भी होती है और ब्राउन कलर की भी होती है। ये वेन हमें इसमें से निकालना जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ये वेन देखें, अगर हम इस वेन को नहीं निकालेंगे तो यही झींगा हमारे लिए नुकसान का बाइस भी बन सकता है, क्योंकि इस वेन में इन्फेक्शंस होते हैं। और अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो अगर ये वेन इस प्रॉन के अंदर है तो झींगा हमारा हराम होता है, मकरूह होता है, हम इसके साथ झींगे को नहीं खा सकते। अब इस वेन, बाज़ दफ़ा ये वेन होती है हमारे ऊपर, अगर हम ऊपर से प्रॉन को अपने कट करेंगे तो निकल जाती है ईज़िली तौर पे ये वेन। लेकिन बहुत से प्रॉन्स में ऐसा होता है कि ऊपर वेन नहीं नज़र आती। अगर इन केस हमारे पास ऊपर प्रॉन नज़र, हमें वेन नज़र नहीं आ रही है, वाइट भी नहीं है और ब्राउन भी नहीं है, तो हमने झींगे को बैक साइड पे ले लेना है, फोल्ड कर लेना है ऐसे, और फिर यहाँ से जो इसका पेट कहलाता है एब्डोम से, इसको यहाँ से हम चॉक करेंगे। यहाँ से जब हम इसको चॉक करेंगे तो हमारी वेन ईजली निकल जाएगी। और अगर ऊपर वेन नहीं है तो नीचे सिल्वर कलर की वेन होगी, वो ईज़ली हम पकड़ के उसको ऐसे खींच भी सकते हैं। और अगर टूट जाती है तो हमें इसको चॉक करके जब हम अपने नाइफ से ऐसे निकालेंगे तो ईज़ली तौर पर वेन बाहर आ जाती है। मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। ये हमारा प्रॉन, अब ये प्रॉन अंदर से काफ़ी गंदा हो रहा है, ये देखें। लेकिन ये वेन है, जब ये वेन ऐसी हो जाती है, ये इसको निकालना लाजमी है। इसके बगैर हम झींगा निकाले बगैर नहीं खा सकते। जब हम मोस्टली रेस्टोरेंट्स वगैरह में खा रहे होते हैं तो इस वेन को नहीं निकाला जाता और ये मुजरे सेहत है। प्रॉपर तरीके से झींगे की सफाई करना लाजमी है। अच्छा, बास प्रॉन्स में, दोबारा बताते जाएं हम कि बास प्रॉन्स में ये सिल्वर या ब्राउन कलर की होती है, लेकिन जो बास प्रॉन्स होते हैं उसमें ये वेन वाइट कलर की भी होती है। ईज़िली तौर पे आपको मिल जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। और इस वेन को साफ किए बगैर बिल्कुल भी प्रॉन्स को आप यूज़ ना करें। और इस वेन को अगर हम नहीं भी निकालेंगे तो हमारे जो प्रॉन हैं वो उसमें स्मेल होगी, स्मेल आएगी लाजमी तौर पे। और जब तक स्मेल आएगी तो प्रॉपर तरीके से हम झींगे को नहीं खा सकते।